वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इंजुशा। एंड आज का जो ये व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ 23rd of July को। आज थर्सडे है, आज मेरा फास्टिंग भी है। डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि कल है 24th of July एंड मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से सुशांत सिंह की मूवी जो आने वाली है दिल बेचारा, उसके लिए वेट कर रही थी। तो एक एक दिन यू नो मैं गिन रही थी कि कब 24 आएगा, कब उसकी मूवी रिलीज़ होगी। और यस, इसी तरीके से मैं वेट कर रही हूँ। आप लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग में से कौन कौन सुशांत सिंह राजपूत का फ़ैन है? और आई नो अभी उसके सारे फ़ैन बन गए, जो पहले नहीं थे वो भी अभी उसके फ़ैन बन गए। बहुत मिस करते हैं उसको। मैंने कभी वीडियो में उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि मैं कितना उसे मतलब उसने जो भी किया उसकी वजह से मैंने क्या फ़ील किया। बट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि उसने ऐसा किया। बट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, सो मैंने सोचा कि मेरे बात करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया। सीरियसली आई मिस हिम अलॉट। और जो कल उसकी मूवी आने वाली है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कौन कौन दिन गिन रहा था प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे। एंड यस, तो अभी 5:30 बज रहा है तो मैं जा रही हूँ छत पे रितविन को लेके, क्योंकि घर पे यार बहुत बोर लग रहा है। तो चलिए छत पे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसा मौसम है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. कुछ खास मौसम नहीं है, बट फिर भी घर से निकल के तो अच्छा ही लग रहा है, खुला खुला माहौल। और हमारे यहाँ ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी दिखती है तो अच्छा लगता है। एंड यस, रितविन साइकिल चला रहा है, थोड़ा उसका भी यू नो एक्सरसाइज हो जाता है, और रितविन का भी थोड़ा यहाँ पे साइकिलिंग हो जाता है, थोड़ा अच्छा फील करता है, वो भी एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है। घर पर रह के बस सफोकेट फील करने से अच्छा एक छत पर आ जाओ। बट डेली आने का मन नहीं करता। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था ना तो हम डेली आ रहे थे, बट नाउ मतलब ऐसा लगता है क्या वही छत वही घर जिंदगी ऐसी हो गई है, क्या कर सकते हैं ना। हवा अब चलने लगी है अच्छी। यहाँ पे कोई कुछ पेड़ लगाने वाला है शायद, और ये हमारा केला का पेड़ है। मैं थर्सडे करती हूँ ना तो यहाँ पे आज मैंने पूजा किया है। वैसे डेली करती हूँ, जब भी मौका मिले ऊपर आके पानी वानी डाल देती हूँ, बट थर्सडे को कंपलसरी है। यहाँ भी बहुत सारे लगे हुए हैं, एक फूल भी आया हुआ है, ये एलोवेरा है और ये वाइट वाले फूल है, बहुत सारे वाइट वाले बहुत सारे हुए हैं। देखभाल
अभी हम लोग देख रहे थे जम्बो मूवी, बहुत ही अच्छी है, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ा सा कैश्यू नट्स रोस्ट कर रही हूँ चाय के साथ लेने के लिए, क्योंकि फास्टिंग में ना एक टाइम चाय लेने का मन करता है, अदरवाइज सर में दर्द हो जाता है। तो वही मैं चाय बना रही हूँ। रेडी है मेरा फास्ट वाला खाना। तो यहाँ पे मैंने पराठे सेक लिए हैं और दूध को इस तरीके से रबड़ी टाइप बना लिया है, मुझे बहुत पसंद है रबड़ी, बट मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है, मुझे दूध की मिठास ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आधे घंटे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपना डिनर रेडी कर लिया है, बट अभी तक मैं खा नहीं पाई हूँ, क्योंकि आप मुझे बताना अगर आप इससे रिलेट करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। जब भी मैं खाने के लिए बैठूंगी तभी रितविन को सुसु या पॉटी आना ही आना है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर मुझे बताना, अगर आप भी मम्मा हैं और ऐसे बातों से अगर आप रिलेट कर पाते तो मुझे ज़रूर बताना। कभी भी मैं सोचूं कि हाँ अभी मैं शांति से खाऊंगी यूट्यूब देखते हुए, बट नहीं, उसे सुसु पॉटी ज़रूर आएगा। और अभी उसे दोनों आया, पहले सुसु आया उसके बाद पॉटी। तो अभी मैं 1 आवर मतलब 1-1.5 घंटा तो मैं खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि पॉटी वगैरह अगर मैं क्लीन करूँ ना उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटा पता नहीं क्यों खाने का मन नहीं करता। आपके साथ भी ऐसा होता है ज़रूर बताना मुझे। तो भूख बहुत ज़ोर की लग रही है बट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सारा मैंने मतलब गरम गरम पराठे लेके आए थे कि आज मैं इंजॉय करके खाऊंगी, यूट्यूब पे आराम से वीडियोस देखूंगी और खाऊंगी, क्योंकि रितविन को जो मैंने आज दलिया वगैरह बनाना है, प्रिंस भी ड्यूटी पे है तो मुझे अकेले ही खाना था। तो जब भी मैं अकेले खाती हूँ मैं यूट्यूब वगैरह देख के खाती हूँ, क्योंकि अकेले खाने का मन मेरा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं खा लूँ फिर रितविन को खिलाऊँगी, बट आपके साथ भी ऐसा होता है प्लीज़ मुझे बताना, मुझे जान के अच्छा लगेगा कि चलो हाँ सबके साथ होता है। क्योंकि जो मेरे व्यूअर हैं उनमें से ज़्यादातर लोग 25-34 इस एज के हैं, तो अगर मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनके पास भी एक बेबी होगा क्यूट सा, तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर मुझे बताना। और अगर बेबी अभी नहीं है फ्यूचर में है तो अभी से आप तैयारी कर लो, क्योंकि ये सब तो होने ही वाला है। ओके चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। कपड़े अंदर करो, कोई बजा रहा आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मॉर्निंग में मैं बनाने वाली हूँ छोले। तो छोले मैंने रात में भिगो के रख दिए थे और बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आज जो है ब्रेकफास्ट में पूड़ी एंड छोले बनेगा, क्योंकि फास्ट के दूसरे दिन मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो आज यमी यमी ब्रेकफास्ट बनने वाला है।
रितविन का ब्रेकफास्ट और बात वगैरह हो गया है, वो अभी रेडी हो रहा है ट्यूशन जाने के लिए। आज उसके पापा घर पे हैं तो आज वो रेडी कर रहे हैं। और इतना नौटंकी बाज है वो ना कि बाल मतलब बिल्कुल भी कोम नहीं करवाता है ये। रितविन चला गया ट्यूशन और मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोले। छोले की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है तो मैं आज आप लोगों को रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बट मैं इसी तरह क्विक एंड फास्ट वाले छोले बनाती हूँ। कुकर में ही सब कुछ डाल देती हूँ, इजी है, क्विक है और बहुत टेस्टी बनता है। जो उबाल के अलग से बनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी इसमें बनता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाया करो, एक बार ट्राई करो, बहुत कम टाइम में बन जाते हैं छोले। तो छोले का तो रेडी है मेरा सारा काम, अब मैं जा रही हूँ पूड़ी के लिए आटा सानने के लिए। पूड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि छोले भटूरे बनाऊँगी, बट मैदा मेरे पास ज़्यादा था नहीं और अभी रिसेंटली हम लोगों ने मैदा का नान वगैरह खाया था। तो हम लोग यहाँ पे आटा ले रहे हैं और उसमें थोड़ा सा मैदा मिला रहे हैं, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी सारी चीज़ें। लाइक सॉल्ट यहाँ पे डाल दिया मैंने, मैं पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करती हूँ तो वो डाल दिया है, कर्ड डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे हल्का गुनगुना पानी से कूद लेंगे। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हैवी किया था तो भूख नहीं लगी थी, तो लंच में हम लोग ले रहे हैं ये कुकुम्बर्स। ये जो छोटे छोटे वाले कुकुम्बर आते हैं ना, कोलकाता में स्पेशली ये मिलता है, तो वो हमें वाइजेक में भी मिल गए थे। ये बहुत टेस्टी होता है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और नींबू डाला है और ये हम दोनों एक प्लेट में खा लेंगे, मैं और प्रिंस, और रितविन के लिए खिचड़ी। हे गाइस, सो गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 6:30 एंड 7 बजे मूवी आने वाली है दिल बेचारा। और पता है मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ ना कि मैं मॉर्निंग से चेक कर रही हूँ कि मूवी क्यों नहीं आ रहा, मूवी क्यों नहीं आ रहा। जब भी चेक कर रही हूँ क्लिप्स एंड ट्रेलर से सिर्फ अवेलेबल दिख रहे हैं, बट देन मुझे एक इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चला कि मूवी 7 बजे शाम को रिलीज़ होने वाली है। कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा था बट मुझे ऐसा लग रहा था सुबह 7 बजे आने वाला है। इनफैक्ट मैंने रात को 12 बजे भी चेक किया था कि कहीं अभी तो नहीं रिलीज़ कर देंगे ये लोग, तो मैं उसी टाइम देख लूँ क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा है। SSR की लास्ट टाइम हम मूवी कोई देख पाएंगे नया, एंड लास्ट टाइम मैंने छिछोरे देखा था, आई थिंक सब लोगों ने देखा होगा, क्योंकि नहीं भी देखा होगा तो अभी तो जरूर मतलब देख लिया होगा क्योंकि जो उसके फ़ैन नहीं थे वो भी अब उसके फ़ैन बन गए हैं। बट क्या फ़ायदा ये सब देखने के लिए, वो हमारे बीच है ही नहीं, है ना। तो छिछोरे मूवी में बहुत अच्छा मैसेज था बट जो भी उन्होंने दिया वो खुद नहीं अप्लाई कर पाए। ऐसा होता है, आप किसी को राय दे सकते हो, किसी को समझा सकते हो, बट वही सिचुएशन आपके साथ होती है ना तो उस चीज़ से डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी का दर्द जो है आप फील कर सकते हो बट वो उस चीज़ से क्या महसूस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में आप नहीं पता कर सकते, दर्द बांट नहीं सकते, बस फील कर सकते हो। तो यही होता है कि किसी को हम समझा देते हैं कि यार तुम्हारे लाइफ में ऐसा हो रहा है, चलो तुम ऐसा कर लो, बट वो चीज़ खुद अपने साथ होती है ना तो पता चलता है कितना मुश्किल होता है डील करना। सो आई होप फॉर द बेस्ट कि जो भी उसके साथ हुआ है
वो जल्दी से जल्द सामने आ जाए, उसे जस्टिस मिल जाए। एंड उसके सारे वीडियोस इसमें इतने ज़्यादा मैं एडिक्टेड हूँ ना, प्रिंस बोल रहे थे कि तुम ये मूवी मत देखो अदरवाइज तुम फिर से पगला जाओगी, क्योंकि मैंने उसके सारे वीडियोस देख डाले, जो भी अच्छे बुरे झूठे सच्चे। अभी जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि उसकी आत्मा से लोग बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, आई नो कहीं ना कहीं कि वो सब झूठ है गलत है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मन करता है कि हाँ देख लेते हैं शायद सच हो, कुछ पता चल जाए, क्योंकि एक मिस्ट्री है उसकी जो उनकी जो मौत हुई है वो एक मिस्ट्री है, एंड हम सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हुआ है पता चल जाए, जस्टिस मिल जाए। एंड फॉर नाउ अभी आधा घंटा बाकी है तो मैं जा रही हूँ मैंगो केक बनाने के लिए। रितविन का भी मन कर रहा है, केक केक बोल रहा है वो, चॉकलेट केक मैं अभी बहुत ज़्यादा बना रही थी लॉकडाउन में एंड उसे पसंद भी आया था। एंड ऑल्दो आई एम नॉट सो गुड एट बेकिंग बट फिर भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि एक मैंगो बचा हुआ और उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है वो, क्योंकि सीजन चला गया है ना तो अब वो टेस्ट नहीं आता है। सोच रही हूँ ट्राई करती हूँ, अच्छा बनेगा तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। रेसिपी तो सेम है, मैंने देखा है यूट्यूब में, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगी जल्दी से, बट देखते हैं कैसा बनता है, बिकॉज आई एम नॉट सो गुड एट बेकिंग। और सूजी वाला तो मेरे से बिल्कुल नहीं बनता, बिस्किट वाला तो बन गया था। सो रितविन यहाँ पे बैठा हुआ है, बिस्किट खा रहा है अभी वो सो के उठा है, आप लोगों को तो पता ही है उसका टाइमिंग है ना। तो चलिए बनाते हैं केक, फिर देखते हैं मूवी। यहाँ पे मैंने सूजी लिया है और सूजी को ग्राइंडर में मैंने और थोड़ा सा मतलब पीस लिया है ताकि वो फाइन जो है बन जाए। और यहाँ पे मैंगो है, मैंगो को मैंने चीनी के साथ पीस लिया है और अब मैं इसे सूजी में मिक्स कर दूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मैं आधा आधा चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा दूध इसमें डाल दूँगी अगेन एक्टिवेट करने के लिए, और फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड फिर जो मैंने प्रोसेस बताया टिन में डाल के केक बनाने का, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं वैसे ही करके हम रख देंगे। और मुझे ऐसा डाउट आ रहा था कि पता नहीं केक कैसा बनेगा कैसा नहीं, तो मैंने इसमें पूरा पोर कर दिया था, उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा निकाल दिया कि पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं। तो जो बचा हुआ जो भी बैटर है उससे मैं चीला बना लूँगी, सेम ही टेस्ट आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने केक जो है आधा कर दिया है, क्योंकि सिर्फ रितविन को ही खाना है। Hey guys,
प्लेट्स को थोड़ा बहुत मैं माहौल बना रही थी क्योंकि मल्टीप्लेक्स पे तो हम नहीं देख पाए, घर पे ही देख रहे हैं, बट थोड़ा बहुत मैंने इस तरीके से लाइट्स वाइट्स ऑन कर दिए हैं। एंड फॉर द लास्ट टाइम विथ हैवी हार्ट आई एम गोना वॉच SSR's लास्ट मूवी। सो यस, देखती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। केक अभी बन रहा है तो इंटरवल तक वो हो जाएगा एंड ठंडा भी हो जाएगा अच्छे से, तो फिर मैं दिखाती हूँ क्या हुआ है केक का। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Hey guys, so done with the movie. मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, स्वीट सी लव स्टोरी चल रही थी, क्योंकि बहुत लोगों का देखने का प्लान होगा तो बेकार मैं आप लोगों का मज़ा क्यों ख़राब करूँ मैं। एंड बात करूँ SSR की, तो उसकी वो किलर स्माइल, उसका वो स्मार्टनेस, चार्म, वी ऑल गोना मिस। और बिलीव ही नहीं हो रहा था यार कि वो नहीं है अब उसे देख के, और इस वजह से ना हम लोग मूवी और भी ज़्यादा मतलब डेप्थ में घुस के देख रहे थे, और मेरी नज़र उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी, मतलब बाकी जो भी कैरेक्टर्स थे उनके ऊपर मेरी नज़र ही नहीं जा रही थी, बार बार मुझे SSR का ही सारा सीन देखने का मन कर रहा था। तो यस, वी आर गोना मिस हिम, वी ऑल गोना मिस हिम, ऑल बॉलीवुड एंड इंडिया, सच अ टैलेंटेड एक्टर ही वॉज। सो ये हो गई। और केक की बात बताऊँ तो केक का जो शेप था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और टेस्ट ठीक ठाक था, मतलब बाकी जो भी केक के फ्लेवर होते हैं, जो मैंने अभी बिस्किट वाला बनाया था और फिर अपने एनिवर्सरी में बनाया था, उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ये मैंगो वाला मुझे ना मतलब मालपुआ, पुआ जो होता है ना, मालपुआ आप लोगों को पता है या नहीं पता नहीं, झारखंड वालों को पता होगा, पुआ की तरह उसका टेस्ट आ रहा था। और आधा ही मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं शुरू से ही डाउट में थे कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, तो मैंने थोड़ा सा केक बनाया था रितविन के लिए और बाकी का मैंने चीला बना दिया, तो चीला अच्छे से सिक गया था, तो वो ज़्यादा टेस्टी लग रहा था केक के मुकाबले, बट टेस्ट सिमिलर ही आ रहा था, पुआ की तरह ही टेस्ट आ रहा था। तो वो हो गया हम लोगों का डिनर। एंड अभी बहुत रात हो गई है, बहुत नहीं मतलब 10:30 बज गया अभी, और हम लोग जा रहे सोने के लिए क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है, कुछ थोड़ा बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो यस, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और किस किन किन लोगों ने SSR की मूवी आते के साथ ही देखी, मेरी तरह कौन कौन एक्साइटेड थे, प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन पे। अच्छा लगता है ना जब रिलेट होता है कि हाँ मेरी तरह भी कोई है ना, तो यू गाइज आर माई फैमिली नाउ, तो इसीलिए आप लोग भी मेरे साथ कुछ कुछ शेयर करो। एंड यस, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, गुड नाइट। और ये वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो सैटरडे होगा, सो हैप्पी वीकेंड, गुड नाइट, बाय।